अपन घूमने ही तो निकले हैं भाई, हमने बाइक के पोटेंशियल को काफी खींच लिया है। समझ लीजिए कि मंदिर वाला सब मामला क्लियर है। पाटन सीधा जाएंगे पाटन। अबे गाड़ी भी फिसल रही है, गया। ये रोड को हेरिटेज रोड कहते हैं। क्या हुआ मालूम है, मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट हो गया अभी। अभी वजह है सुबह के 9:12, काफ़ी लेट हो गए हैं। अपन कल शाम को ही मोढेरा टेम्पल पे पहुंच गए थे यहाँ पर, और यहाँ पे पहुंचने के बाद हमको रूम तो नहीं मिला, पर हाँ हमारे कज़िन की फैमिली भी यहाँ पर रुकी हुई थी तो उनके साथ में शेयरिंग में रूम मिल गया। ये अपनी बाइक कोल्ड स्टार्ट कर ली है मैंने, सो एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। अभी हम निकल रहे हैं बहुचरा जी टेम्पल, जो यहाँ से 16 किलोमीटर ही दूर है। तो मैं बस सिर्फ ये राइडिंग ग्लोव्स ही पहनूंगा और हेलमेट है, और कुछ मैंने राइडिंग गियर्स पहने नहीं है, ठीक है। तो यह फटाफट से मिलते हैं बाइक पे और हम निकलते हैं बहुचरा जी के लिए। उसके बाद की प्लानिंग हम आगे बताएंगे। जय माँ मोदेश्वरी। आज के स्टार्टिंग काउंटर है 729। ओके, 729 इज़ द स्टार्टिंग काउंटर, और यहाँ से 16 किलोमीटर ही दूर है। तो यार जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे काफ़ी रश था दिवाली की वजह से, और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मुझे रूम रात तक नहीं मिला था, राइट। और मुझे यहाँ के कॉमन हॉल है वहीं पर ही सोना था, लेकिन देखो सोने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सच, पर ये जो राइडिंग गियर से अपने थोड़े जो कीमती सामान है उसके साथ सोना थोड़ा रिस्की था। लेकिन फॉर्चुनेटली हमको यहाँ पर अपनी कज़िन की फैमिली मिल गई जो यहाँ पर आए हुए थे, तो या उनके साथ उनके रूम में एक बेड खाली भी था, तो हम वहीं पे अकोमोडेट हो गए, और या वी गॉट द रूम एट लास्ट। रूम टूर मैं कल दूंगा, कल के व्लॉग में दूंगा। फिलहाल के लिए आज के व्लॉग में, आज की प्लानिंग में बता दूं, तो अभी बेचरा जी जा रहे हैं, जो वहां पर बोर्ड पे भी लिखा रहा है 14 किलोमीटर है, राइट। तो बेचरा जी जाएंगे, बेचरा जी के दर्शन करेंगे, वापस आएंगे, और वापस तो नहीं एक्चुअली वहाँ से रानी की वाव जाएंगे, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ हिस्टोरिकल प्लेस पर भी जाएंगे, और बाद में या विल रिटर्न बैक टू आवर रूम। और देखते हैं, पास ही में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सन टेंपल भी है, तो वो भी एक हेरिटेज साइट जैसा ही है। टेंपल जैसा तो बहुत कम रहा है, लेकिन मेन हेरिटेज साइट जैसा ही है, गार्डन हेरिटेज साइट, तो वहीं पर जाएंगे, ठीक है। तो आज के दिन की प्लानिंग कुछ इस तरीके से है, और राइट नाउ वी आर गोइंग टू बेचरा जी। आज के दिन तो बस यहीं कहीं पर है, 100 किलोमीटर की राइड होगी है टोटल, राइट। सो दिस इज डे 3। सुबह की ठंडक में तो मज़ा ही आ जाता है यार, क्योंकि या एक मौसम ठंडा रहता है, टेम्परेचर भी डाउन रहता है, और बाइक राइड का भी अच्छे से मज़ा आता है। लेकिन आज भी शायद दोपहर हो जाएगी अपने को वापस रूम पे आते आते, क्योंकि रानी की वाव उल्टी डिरेक्शन में है, यानी अपने को शायद आते समय वापस से ये 16 किलोमीटर प्लस कुछ 35 किलोमीटर्स है, यानी 50 किलोमीटर्स की और राइड करनी है रानी की वाव को एक के लिए। चलता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन घूमने ही तो निकले हैं, और आप सबको घुमाने के लिए ही तो निकले हैं। रास्ता थोड़ा ख़राब है, हालांकि यहाँ तक का रास्ता तो काफ़ी अच्छा था। 229 पे निकले थे ना, 729 पे, वाह 10 किलोमीटर तो ऐसे काट लिए यार। 11 किलोमीटर, चलता है।
यानी वी आर अबाउट टू रीच, इट इज़ ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स अवे। लेकिन यार ये मेरी लाइफ की पहली रोड ट्रिप है, पर एक प्रॉपर रोड ट्रिप है। लेकिन यार मज़ा काफ़ी आ रहा है, आई एम रियली मच एंजॉइंग। श्री बहुचरा जी माता मंदिर ट्रस्ट आपका स्वागत करती है। ओके थैंक यू। हम थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं, एक्चुअली रास्ता भी थोड़ा ख़राब है और भाई अननोन रोड्स पे थोड़ा आसानी से चलो तो अच्छी बात है, और बाइक को भी संभालना है भाई। हमने बाइक के पोटेंशियल को काफ़ी खींच लिया है फिर भी बाइक अच्छा साथ दे रही है, थैंक गॉड फॉर दैट। बस अगर माता जी की कृपा रही तो नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी बाइक लेके निकलेंगे, बड़ी बाइक। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कार पार्किंग है, यानी हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए समझ लो, मेरे ख्याल से आ ही गए यार। वहाँ सामने वो कोने में है, हाँ यही है, आ ही गए। चलो भाई कई बाजू, ये देखिए हम बोचरा जी टेम्पल पे आ चुके हैं और ज़्यादा मार्केट चढ़ावे के लिए खाने पीने के लिए, लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा, और सीधा मंदिर में जाएंगे और लाइन में। चलिए हम आगे जाएंगे, शायद आगे वीडियो का खेला होते बाद में दर्शन के बाद। ये देखिए हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए, ये चलिए तो वापिस से मिलते हैं बाइक पे। या तो चलिए पार्किंग में से हम अपनी बाइक निकालते हैं, और टाइम हुआ है 10:21, तो काफ़ी अभी तो अर्ली है, और अभी सीधा जाएंगे रानी की वाव, जो यहाँ से 51 किलोमीटर दिखा रहा है। राइट ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। तो यार 1744 इज़ द काउंट, 51 यानी 795 पे पहुँचेंगे, देखते। अब तक हमने सूरत से चला लिया है 652 किलोमीटर्स। वाओ 652 किलोमीटर्स ऑलरेडी बीन डन, परफेक्ट मैन परफेक्ट। एक्चुअली इन दिनों में ना ऐसे धार्मिक जगह, ऐसे सेक्रेट प्लेसेस पे काफ़ी भीड़ रहती है। राइट ओके ओके, वरना अगर आप नॉर्मल डेज में आओ तो यहाँ पर इतने मंदिर में, यहाँ पर भी आराम से रूम मिल जाए, यहाँ पर भी मंदिर में इतनी लाइन नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि लोगों का भी एक सीजनल अंदर से धार्मिकता जागती है हम भी तो वैसे ही आए भाई, देखो सब छुट्टियाँ देखकर ही निकलते हैं, क्योंकि सबका काम रहता है, सबका अपने रोजी रोटी का भी काम रहता है, सब अपने बिजनेस, सब अपने जॉब में लगे हुए रहते हैं। राइट वापस से काफ़ी अच्छा हाईवे आ गया है, और या मैन हम काफ़ी अर्ली है, और दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यार, सुहाना सफर और ये मौसम हसी मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे पिछले दो जो व्लॉग्स थे उसमें मैंने एंडिंग ही नहीं की है। चले कोई बात नहीं, बगैर एंडिंग के ही आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमने ना अपनी पूरी ट्रिप में अभी तक गिम्बल का यूज़ ही नहीं किया है। इतना बड़ा बॉक्स लेके आया है, गिम्बल का यूज़ करेगा कि नहीं, शायद यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि ये देखो हम मंदिर वाली जगह पे थे, वहाँ पे भीड़ इतनी रहती है तो कहाँ से क्या यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम जा रहे हैं रानी की वाव, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। अभी
समझ लीजिए कि मंदिर वाला सब मामला क्लियर है। अभी जो भी है दो है, एक अभी जो जा रहे वो रानी की वाव टूरिस्ट स्पॉट, और दूसरा शाम को या तो उसके बाद ही देख लेंगे सन टेम्पल है। तो ये दो चीज़ है, दिस इज़ अ हेरिटेज प्लेस, दिस इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट। तो यह पाटन सीधा जाएंगे, पाटन कितना किलोमीटर था वो नहीं पता, लेकिन हाँ रानी की वाव तो पाटन में ही है ना। वाह यार क्या रोड है यार, बहुत बढ़िया, जस्ट एंजॉइंग मैन, एंजॉइंग। ये क्या बे, व्हाट द हेक इज दैट, कूड़ा नहीं, पानी, पानी की बोतल्स, आई डोंट नो, दैट्स सम सरप्राइज बड़ी, दैट्स सम सरप्राइज। चलिए कब से हम एक टाइप का ऑफ रोड ही कर रहे हैं, रास्ते बहुत खराब है, बन रहे हैं, फ्री का मेकअप भी किए जा रहे हैं, और कब से सिंगल लेन पे ही रोड चल रहा है। या गूगल बाबा भी अभी कुछ बोल नहीं रहे, गूगल बाबा भी बस चला ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। बहुत सारा ऑफ रोड आया, बहुत सारा। यही मैं सोच रहा हूँ यार, अभी तो चले तो जा रहा हूँ, वापस इसी रोड से शायद आना है। अरे यार लेकिन यार अपन ने कुछ पहना नहीं, पहना नहीं यानी यार फुल स्लीव जैसा कुछ पहना नहीं है, तो आज तो हम बस हो रहे हैं गंदे। मेकअप, फ्री का मेकअप, पुतवा लो भाई, फ्री का मेकअप पूरे बदन पे पुतवा लो। अरे सामने से तो ट्रक आ रहा है, ये तो बहुत मेकअप पुटेगा भाई। अबे गाड़ी भी फिसल रही है, गया। That was tough, man. That was tough. बाइक भी फिसल रही है। हो पाटन या सिक्स, वाओ हो मैन, दैट वॉज समथिंग। क्या बेकार रोड था यार। फाइनली हम आ चुके हैं 787, हाँ 795 तक तो पहुंचना है हमको। और या बस 5-6 किलोमीटर वहाँ पाटन लिखा था, पाटन के अंदर भी इधर उधर होगा, तो सही है, वी आर ऑन राइट ट्रैक। फाइनली हम आ चुके हैं रानी वाव के पास, पास में ही है आई थिंक, कुछ बस कुछ ही बाकी होगा आई थिंक, आगे मैंने बोर्ड भी देख लिया। रानी की वाव, वाव यानी कुआ, कुआ यानी एक, हाँ यही कहते हैं, कुआ कह दो या कुछ नहाने धोने का प्लेस कह दो, बहुत बड़ा सा है, मैंने भी देखा नहीं, आई एम ऑल्सो कमिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम, और ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं पता है, फिर भी एक टूरिस्ट स्पॉट है इतना पता है। वाह एक प्रॉपर गांव में से निकल रहे ऐसा लग रहा है। रानी की वाव, रानी वाव आई थी आ बाजू थी, यहीं थी सीधे सीधा, कैसे जवानूत नदी वरवानूत नदी, हाँ 1 किलोमीटर, चलो थैंक यू। अच्छा क्या पूछ लिया, और वो भी ऑटो वाले से ही पूछा है, उन्होंने बोला यहाँ से जाएंगे और पूरा 1 किलोमीटर, हाँ लिख दिया, ओके अभी बोर्ड दिखा। ये रोड को हेरिटेज रोड कहते हैं, बढ़िया है हेरिटेज, ऑफकोर्स हेरिटेज जैसा बिल्डिंग भी तो है रानी की वाव, वर्ल्ड हेरिटेज रानी की वाव, वाव पाटन, ठीक है चलिए। पार्किंग, या पार्किंग 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 इज देयर, हाँ फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर।
सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, होप आपको अच्छे लगे होंगे। टाइम का बता दूँ तो 1:07 हुआ है, और किलोमीटर का बता दूँ तो 794, और हम यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है मोढेरा, अपनी कुलदेवी के यहाँ जहाँ पर अपना रूम है। तो चलिए फटाफट से पहुँचते, और ये वापस से चेंज हो गया यार, ये बार बार चेंज होता रहता है। अभी तो इसको ऊपर से बांधा है, फिर भी दिक्कत दे रहा है यार। चलिए निकलते हैं। फाइनली थोड़े बाहर निकले, थोड़ी हवा आई। हाँ, पहले मुफ्त में धूल का मेकअप हो गया, अभी पसीने से भी नहा लिए। चलिए अभी थोड़ा अच्छा होगा, अब वापस हवा लगेगी तो पसीना तो सूख ही जाएगा, और मेकअप तो वापस होना ही होना है। 48 मिनट इज़ द एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम, लेकिन देखते हैं 2 बजे तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। बीच में कहीं पर रुकना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ मालूम है, मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंट हो गया अभी। मोबाइल एक्चुअली वहाँ पर, ये जो सिनेमेटिक्स आपने देखे होंगे तो वो सब मोबाइल से ही शूट हुए, तो मोबाइल की बैटरी 28-29% हो गई थी। अभी GPS भी चलेगा अपना, तो उसी के लिए पावर बैंक पे लगाया था, बैग में रख दिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं ही भूल गया कि मोबाइल तो पावर बैंक के साथ लगा बैग में है। तो मैं मेरी जेब में ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। बाद में लास्ट टाइम मैंने जहाँ पर रखा था वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पे एक आदमी था, बोल रहा था क्या हुआ, बोला मेरा मोबाइल गुम गया। तो उन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोन लगाया और मेरे बैग में रिंग बजी। हाउ सिली ऑफ मी, बट दैट्स ओके, समटाइम्स इट हैपन्स। आपके साथ होता है क्या? नहीं, अगर हुआ है तो बताओ ऐसा कोई फनी इंसिडेंट कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हमारी माँ के पास वापस जा रहे हैं। बस ये थोड़ा मोड़ा है अभी भी, इतना ही है अच्छा वाला रोड, उसके बाद अपनी फटने वाली है भाई वापस से। लेकिन इस बार कम लगेगा, क्योंकि वो तो आते समय था ना, हमको मालूम ही नहीं था डेस्टिनेशन और कितना है क्या है, जाते समय का तो आसानी से कट जाएगा। या एक फन फैक्ट बताऊं, अभी जो मैंने अपना फनी किस्सा सुनाया, अगर मुझे ख्याल में रहता तो मैं उसको ऐसे भी ढूंढ सकता था। कैसे? अपनी वॉच में फाइंड माई डिवाइस करके भी ऑप्शन है, अगर उसके ऊपर मैं क्लिक करता तो अपना मोबाइल बजने लगता, तो पता चल जाता। क्या यार, टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तब तक काम की है जब तक आप उसको सही टाइम पे याद रखते हो, वरना तो कहने को तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन सही वक्त पे सही यूज़ करना, वही टेक्नोलॉजी का सही पर्पज़ होता है। और यह दिस इज़ द एंड ऑफ अ गुड रोड्स, अभी हम सीधा जमीन पे पटक लिए जाएंगे। टाइम 1:27, वाह 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 वाह, तकरीबन 2 बजे तक का तो ETA था, अभी देख लेते हैं, 2 बजे तक तो शायद से पहुंच भी सकते हैं, वरना नहीं भी पहुंच सकते हैं। गॉडनेस, चलिए तो खराब रोड से बाद में अच्छे रोड से होते 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 हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। या तो हम वापस से अपने गेट पे आ गए हैं, और या जय मुदेश्वरी माँ। कुछ खाया नहीं है, अभी कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं, देखते हैं। तो या अभी के लिए यहाँ पर बाइक रख देंगे, अपनी बाइक, और उसके बाद देखते हैं, शाम को सन टेंपल भी जाएंगे, ठीक है। सो यस,
here we are. We have arrived. Time हुआ है 2:14। Lunch तो अभी मिलेगा नहीं, 2 घंटा थोड़ा रुक लेते हैं और उसके बाद सन टेम्पल चलेंगे। चलिए तो हम अभी आ चुके हैं सूर्य मंदिर सन टेम्पल। दिस इज़ वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट। तो या सीधा आगे बढ़ते हैं और मंदिर दिखाते हैं और यहाँ पर भी एक वाव है, उसको भी देखेंगे, कुछ सिनेमेटिक्स भी निकालेंगे। ये देखिए, ये रहा सूर्य मंदिर और या ये एक पूरा वाव जैसा है। ये देखिए, एक्चुअली इन्होंने अभी सब क्वाड्रेंट कर दिया है, सब बंद कर दिया है, वरना पहले हम नीचे तक जा चुके हैं, पर फिलहाल के लिए सब बंद है, मे बी सिक्योरिटी रीज़न। तो या ये भी एक वाव है। से निकलते हैं सूर्य मंदिर हेरिटेज साइट। यहाँ पर भी एक छोटा मोटा सिनेमेटिक्स बनाया है। आई होप यू एंजॉयड इट। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू मोढेरा एंड वी आर बैक आउट ऑफ बिजनेस। ऑलराइट, तो यार दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ अ व्लॉग। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर ले, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो चलिए मिलते हैं कल, जब हम अपनी रिटर्न राइड जाएंगे बैक टू सूरत, नॉन स्टॉप जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। नो फियर, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर, आईज पियर विद माय माइंड क्लियर, नेवर लुक वेयर, ओनली अप नेवर डाउन, ऑफ द ग्राउंड टिल आई एम फाउंड, हियर द साउंड, लिसन टू मी नाउ, एज द बीट पाउंड्स, एवरी एंस ऑफ माय एफर्ट पोरिंग आउट, सो यू नेवर हैव अ डाउट, डू यू लाइक मी नाउ, एम आई गुड एनफ।